हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे। नंबर वन, जो नेशनल हाईवे नंबर वन है, ठीक है, इस सिटी से, ठीक है, कौन सा हाईवे यानी कौन सा सिटीज है, ठीक है, जो नंबर वन हाईवे से कनेक्टेड है। आंसर है दिल्ली पंजाब। क्वेश्चन टू, नेशनल वाटरवे नंबर वन इज नेविगेबल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी जो नेशनल वाटरवे नंबर वन है ना, वो किस यानी किस कौन सा जगह है, ठीक है, जिससे वो कनेक्टेड है। आंसर है अलाहाबाद एंड हल्दिया। क्वेश्चन थ्री है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द बिगेस्ट विद द सस्पिशियस स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि वो काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है, ठीक है, और वेल शेल्टर्ड है। आंसर है मुंबई का, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन फोर है, पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर्स ऑन द कोलकाता पोर्ट। ठीक है, जो बंदरगाह है, ठीक है, जो सब्सिडियरी वो क्या हुआ है, उसको बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, ठीक है, और जो अगर हम बंदरगाह की बात करें तो वो है ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। ठीक है, जो कि प्रेशर हो रहा था कोलकाता के ऊपर, उसके थ्रू क्या हो गया, वहाँ पर पोर्ट बनाए गए, उसका नाम है हल्दिया। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट क्लास मेल बाय द इंडिया पोस्टल नेटवर्क। ठीक है, यानी इन निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल है जो इंडिया पोस्टल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आंसर है कार्ड्स एंड इनवलॉप। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट क्लास मेल है जो कि इंडिया पोस्ट द्वारा यूज किया जाता है और ये इंडिया पोस्टल नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स की बात करें वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया। ठीक है, साउथर मोस्ट का सबसे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का। आंसर है नदीम बेचेरी। ठीक है, क्वेश्चन सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का बंदरगाह कौन सा है। आंसर है चेन्नई मद्रास। क्वेश्चन एट है, नरो गेज रेलवे लाइन इज फाउंड। ठीक है, यानी कहाँ पे पतले पतले रास्ते पाए जाते हैं रेलवे के लिए, रेलवे लाइन के लिए। तो आंसर है द हिली एरिया, जहाँ पे पहाड़ वगैरह रहते हैं, क्या होते हैं वहाँ पर जो रेलवे का जो रास्ता होता है काफ़ी पतला होता है और उनको नीचे से जाना पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग हो गया, जैसे कि शिलोंग हो गया और ऊटी हो गया। ठीक है, ये क्यों है, पहाड़ी एरियाज हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती है ट्रेन वगैरह जाने के लिए। तो हालांकि जो ट्रेन है, ठीक है, वो कहाँ से जाती है, बेसिकली वो पहाड़ों के नीचे से होकर जाती है, सुरंग के थ्रू जाती है। क्वेश्चन नाइन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से कौन, ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के फायदे नहीं हैं। तो आंसर है इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग अ पाइपलाइन इज हाई। ठीक है, क्योंकि जो कास्ट होता है ना पाइपलाइन का, वो काफ़ी, अगर आप पाइपलाइन अब बिछा रहे हो, डाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी हाई होगा उसका कास्ट, मतलब। क्वेश्चन टेन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट द मेंटेन द रोड द इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बॉर्डर एरिया पर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, जो कि वो रोड को बनाती है। आंसर है उस संस्था का नाम है BRO। क्वेश्चन अलेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज टाइडल पोर्ट। कौन सा बंदरगाह है जिसको टाइडल पोर्ट कहा गया है। आंसर है कैंडला को। क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द कोलकाता। यानी कौन सा बंदरगाह आपको बनाया गया जिससे कि प्रेशर ना बने कोलकाता पे। आंसर है हल्दिया पोर्ट। क्वेश्चन 13 है, विच टू एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कौन सा ऐसा दो बंदरगाह है जिसकी जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं। आंसर है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्वेश्चन 14, नेशनल वाटरवे नंबर वन इज नेविगेबल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो नेशनल वाटरवे है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है इन चारों में से, ठीक है, जो दिए गए ऑप्शंस।
आंसर है बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ कंट्री है। आंसर है चेन्नई। क्वेश्चन 16, नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय, यानी जो नेशनल हाईवे होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं और किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। आंसर है CPW के द्वारा। एक संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि नेशनल हाईवे ही बनाती है और मेंटेन करती है अगर वहाँ पर कुछ खराबी हो जाता है रोड में। 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस द ट्रांसमेंट शिपमेंट लॉसेस एंड डिले इन द सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम एंड गैसेस। यानी कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो कि रिड्यूस कर सकता है, जो कि पेट्रोल और गैसेस है उसकी देरी में, सप्लाई होने की देरी में, ठीक है, और लॉस होने में। तो आंसर है पाइपलाइन। ठीक है, अगर पाइपलाइन का यूज करते हैं जो हमारा मटेरियल होगा वो समय से पहुंच जाएगा और काफ़ी कम कास्ट में पहुंच जाएगा, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, लॉस नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन 18 है, द हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल कमीशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा नेचुरल कमीशन के द्वारा किसके द्वारा वो ऑपरेशंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे पॉन्सन्स हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मींस कि कौन सा ऐसा, ठीक है, अखबार है जो कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है इंडिया में। तो वो है हिंदी, हिंदी में अखबार काफ़ी छपते हैं इंडिया में। क्वेश्चन 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, इनमें से कौन से जो फैक्ट है वो ट्रू नहीं है। तो आंसर है चेन्नई इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। ठीक है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन 21, इन रिसेंट ईयर्स यानी जल्द ही, इंडिया इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी अभी कुछ सालों में इंडिया जो है किस चीज़ से, क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है जिससे कि वो काफ़ी ढेर सारे पैसे कमा रहा है। आंसर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उसको वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि इंडिया में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरलाइंस इज द नेशनलाइज एयरलाइन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा एयरलाइन है जो नेशनलाइज एयरलाइन है इंडिया का। आंसर है एयर इंडिया। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इज द नेशनलाइज एयरलाइन ऑफ इंडिया। लोग जानते हैं, रिपीट हो गया, एयर इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो कौन सा ऐसा पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, और वो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री का पोर्ट है। आंसर है चेन्नई पोर्ट। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन सर्विस है जो इंडिया में सबसे बड़ा है। आंसर है पोस्टल नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है इंडिया में, सबसे बड़ा है। ठीक है, सो आई होप आपके वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।